पुनीते ईश्वर त्रय आराधना हो आराधना हो आराधना आराधना हो आराधना हो आराधना 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 पिता हमारे गान तुम्हारा गान तुम्हारा गान तुम्हारा क्रिस्त प्रभु संगीत तुम्हारा गीत तुम्हारा गीत तुम्हारा स्तुति हो तुम्हारी पावन आत्मा पावन आत्मा पावन आत्मा जय 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 कार जय 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 पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट की कृपा ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबो को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिसमस में प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया पवित्र त्रित्व का पर्व मनाती है। आज हम पिता ईश्वर की जय करें, पुत्र ईश्वर की जय करें और पवित्र आत्मा की जय करें। पवित्र त्रित्व एक रहस्य है। पवित्र त्रित्व को समझना और उसे समझते हुए जीवन बिताना हम सभी के लिए बहुत ही एक कठिन कार्य होते हुए भी, अगर हम प्रभु को जानना चाहते हैं, प्रभु को समझना चाहते हैं, तो हमें नम्र बनना पड़ेगा। हमें पूर्ण रूप से प्रभु के सामने अपने जीवन को समर्पित करना पड़ेगा, क्योंकि पवित्र त्रित्व को समझना, उन्हें जानना आसान नहीं है। ईश्वर को जानना इतना आसान नहीं है। हम तो उसकी सृष्टि मात्र हैं। ईश पिता ने हम सभी के लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया और उसके साथ ही हमें पवित्र आत्मा का वरदान भी दिया। और पवित्र आत्मा जब प्रेतों पर उतरे तब उन्हें अन्य भाषाएं और एक नई कलीसिया का जन्म भी हुआ। जी हाँ, क्रिसमस प्रिय भाई और बहनों, हम आज पवित्र त्रित्व का पर्व मनाते हुए संपूर्ण कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं कि पवित्र त्रिएक ईश्वर हम सभी के जीवन में आ जाए और आज जो समा हुए, जो वातावरण बना हुआ है, प्रभु उसमें समाहित हो जाए और पूर्ण रूप से प्रभु सारी सृष्टि को अपने उस श्वास से फूंक दे, ताकि इस सारी सृष्टि में हर प्रकार की जो बुरी बीमारियां हैं, कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, वे सभी दूर हो जाए और मानव जीवन में एक नया जीवन फिर से उत्पन्न हो जाए। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, पवित्र त्रित्व का पर्व मनाते हुए हम सभी भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करें। उन भाई और बहनों के जीवन को प्रभु के सामने समर्पित करते हैं जिन्होंने मिस्सा बलिदान अर्पित किए हैं, प्रार्थनाएं प्रभु के सामने अर्पित की हैं, निवेदन प्रभु के सामने चढ़ाए हैं। बहुत सारे भाई बहन अस्पतालों में हैं, बीमार हैं, कष्ट में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, उन सभी को प्रभु के सामने समर्पित करें। हमारे गांव में रहने वाले सभी भाइयों और बहनों को हम प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। उन सभी के लिए भी प्रार्थना करें। जिन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने वाला कोई नहीं है,
जिन्हें देखने वाला कोई नहीं है, हम भी अपना एक कदम बढ़ाते हुए उन सब की सहायता करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें, पवित्र त्रित्व का पर्व मनाते हुए प्रभु से माफ़ी मांगे अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए, अपने कमजोरियों के लिए, जो हमने अपने भाई बहनों को दुख पहुंचाया, कष्ट पहुंचाया है, अपने पड़ोसी को कष्ट पहुंचाया है। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे सभी बंधनों को तोड़ दे, हर एक बीमारी को हमसे दूर हटा दे, हर एक पाप को हमारे जीवन से दूर कर दे। इसके लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगी। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब सद्दूतों संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। सभी के दिलों में निरखो प्रभु अंतर में, मन मन के है राजक तुझे करे नमन नमन नमन। धन्य पिता परमेश्वर, धन्य सुत है ईश्वर, धन्य आत्मा बाल करे नमन नमन नमन। प्रियक भगवान भजे तुझे तेरी संतान, ओ प्रियक भगवान महिमा 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 महिमा।
हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तूने अनादि शब्द और पवित्र आत्मा को संसार में भेजकर मानव जाति पर अपना अद्भुत रहस्य प्रकट किया। हम शाश्वत त्रित्व में सच्चा विश्वास प्रकट करें और तेरी प्रतापी एकता की आराधना करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आप दोनों के हृदय जिहा पर रहे, जिससे आप योग रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 32 से 34 और 39 से 40 तक। पाठ का मूल वाक्य है, ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। मूसा ने इसराइलियों से कहा, ईश्वर ने जब पृथ्वी पर मनुष्य की सृष्टि की थी, तुम तब से लेकर अपने पहले के प्राचीन युगों का हाल पूछो। क्या पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक कभी इतनी अद्भुत घटना हुई है? क्या इस प्रकार की बात कभी सुनने में आई है? क्या और कोई ऐसा राष्ट्र है जिसने तुम लोगों की तरह अग्नि में से बोलते हुए ईश्वर की वाणी सुनी और जीवित बच गए हो? ईश्वर ने आतंक दिखाकर विपत्तियों, चिन्हों, चमत्कारों और युद्धों के माध्यम से अपने सामर्थ्य तथा बाहुबल द्वारा तुम लोगों को मिश्र देश से निकाल लिया है। यह सब तुमने अपनी आंखों से देखा है। क्या और कोई ऐसा ईश्वर है जिसने इस तरह किसी दूसरे राष्ट्र में से अपना राष्ट्र चुन लिया हो? आज यह जान लो और इस पर मन ही मन विचार करो कि ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। मैं तुम लोगों को आज उसके नियम और आदेश सुनाता हूँ, तुम उनका पालन किया करो, जिससे जो देश तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें सदा के लिए देने वाला है, उसमें तुमको और तुम्हारे पुत्रों को सुख शांति तथा लंबी आयु मिल सके। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मंगल मेखला आ, आ, आ।
दूसरा पार्ट, रोमियों के नाम, संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 वाक्य 14 से 17। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं, वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला, जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। यदि हम उसकी संतान हैं, तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। यदि हम उन्हीं के साथ दुख भोगते हैं, तो हम उन्हीं के साथ महिमान्वित भी हो जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। सारा जग प्रभु आत्मा से आबाद है। हालेलुया, हालेलुया। सारी दुनिया वही संभाले, सारी चीजें देखे भाले, सब तक पहुँचे उसकी आवाज है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 28 पद संख्याएं 16 से लेकर 20 तक। 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहां यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं, तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। या प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया पवित्र त्रित्व का पर्व मनाती है। क्रिस्त विश्वास के अनुसार एक ईश्वर है और एक ईश्वर में तीन जन हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। ये तीनों अलग होते हुए भी एक हैं, तीनों अलग होकर भी एक साथ काम करते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों,
हम पवित्र तत्व में विश्वास करते हैं क्योंकि पिता ईश्वर ने हमारी सृष्टि की, पुत्र ईश्वर ने हमारा उद्धार किया और आत्मा ईश्वर ने हमें पवित्र किया है। कलीसिया की सभी धर्म विधि पवित्र तत्व के नाम से ही शुरू और संपन्न होती है। जी हाँ, क्रिसमस में प्रिय भाई और बहनों, यूक्रिस्त समारोह के समय तीन बार जब घंटी बजती है, उसकी आवाज़ जब आती है, पवित्र तत्व की याद दिलाती है। और जब भी हम कोई भी घर में हो या बाहर में हो, कहीं भी यात्रा कर रहे हो, कोई सी प्रार्थना शुरू कर रहे हो, सबसे पहले हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का चिन्ह बनाते हैं और अपने कार्य को संपन्न करते हैं। जब कभी भी किसी कार्य को पूरा करना हो तो पवित्र तत्व हमारे साथ में रहता है। जी हाँ, कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, पवित्र तत्व का पर्व मनाते हुए, एकमात्र ईश्वर का पर्व मनाते हुए, आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सभी के साथ में रहें। ईश्वर को समझना, ईश्वर को जानना, हम में इतनी बुद्धि या इतनी ताकत या इतनी क्षमता नहीं है कि हम ईश्वर को समझ सके, उसके त्रिएक जो अस्तित्व है उसको समझ सके। क्योंकि हम स्वयं को ही नहीं समझ पाते हैं तो हम किस तरह से ईश्वर को समझेंगे। हमारी जीवन में हम कई प्रकार से जब समस्याओं में घिर जाते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वह अनसुनी नहीं करता है। जी हाँ, कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, जिस प्रकार से पवित्र तत्व का रहस्य जानने में बाइबल हमारी सहायता करती है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1:1-2 में हम पढ़ते हैं, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। जी हाँ, कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, पवित्र तत्व की उपस्थिति यहाँ पर है और विशेष रूप से ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, और हम यहाँ पर पाते हैं कि पवित्र आत्मा सागर पर विचरता था और प्रभु येसु भी विद्यमान है। जी हाँ, कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6:4 में प्रभु का वचन कहता है, इसराइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। और हमारा ईश्वर एकमात्र प्रभु होते हुए पुराने व्यवस्था में हम देखते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर इसराइली लोगों के साथ में रहता था और उनकी मदद करता था, उनके साथ में रहता था। नए व्यवस्था में हम देखते हैं कि किस प्रकार से वही ईश्वर का एकलौता पुत्र प्रभु येसु धरती पर आकर हम सभी को बचाने के लिए अपने जीवन को अर्पित कर देते हैं। पवित्र आत्मा को हम सभी को देने से पहले प्रभु विशेष रूप से हमसे यही कहते हैं कि तुम्हें मैं एक सहायक प्रदान करूंगा जो तुम्हारे साथ में रहेगा। जी हाँ, कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, पवित्र तत्व को समझने के लिए हमें बाइबल के ज्ञान से अवगत होना बहुत ज़रूरी है। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 1:1 में प्रभु का वचन कहता है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। जी हाँ, कृष्ण प्रिय भाइयों बहनों, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों सृष्टि की जब रचना हुई तब भी विद्यमान थे और अब भी विद्यमान हैं और वे हमेशा विद्यमान रहेंगे। जी हाँ, कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, वो ही आदि और अंत हैं, वो ही अल्फा और ओमेगा हैं। नबी ईसाइयास के ग्रंथ अध्याय 9:6 में हम पढ़ते हैं, वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। जब त्रिएक ईश्वर हम सभी के बीच में हैं तो हमेशा हमें वहाँ शांति दिखेगी, न्याय दिखेगा और धार्मिकता नजर आएगी। एक ईश्वर है और उसमें तीन जन हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा।
संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 16 में प्रभु का वचन हमसे कहता है, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा तुम्हें सब कुछ समझा देगा, मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर हम त्रिएक ईश्वर के बारे में जानते हैं कि वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा। तो प्रभु येसु यहाँ पर कह रहे हैं कि पिता पवित्र आत्मा भेजेगा और वह मेरे नाम से भेजेगा। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा को हम यहाँ पर देख सकते हैं, पवित्र त्रित्व को यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से पवित्र त्रित्व योहन के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 16 में प्रभु येसु उनके बारे में बताते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 26 में प्रभु का वचन कहता है, जब वह सहायक पिता के यहाँ से आने वाला वह सत्य का आत्मा आएगा जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजता तो वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, फिर से हमने प्रभु के वचनों के द्वारा प्रभु के स्वयं के प्रभु येसु स्वयं बता रहे हैं कि किस प्रकार से यह त्रित्व है और एक ही ईश्वर है और एक ईश्वर में तीन जन हैं और तीनों के अलग अलग कार्य हैं लेकिन वे फिर भी एक हैं और वे एकमात्र ईश्वर हैं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम सभी ख्रिस्ती हैं और हम सभी एकमात्र ईश्वर में विश्वास करते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 और 14 में प्रभु का वचन हमसे कहता है, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण रूप से सत्य की ओर ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। हम त्रिएक ईश्वर में विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा निरंतर हमारे साथ में रहता है। प्रभु येसु अपना एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को हमें दे के गए हैं और प्रभु हमसे आज यही कह रहे हैं कि हम कभी डरे नहीं, कभी घबराए नहीं। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र में अध्याय 13 पद संख्या 13 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों को प्राप्त हो। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाइयों और बहनों, जब संत पौलुस अपने भाइयों को पत्र लिखते थे तो वे इसी तरह का संदेश उन्हें उपदेश में कहा करते थे। जब वे आशीष देते थे वे कहते थे कि प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी को प्राप्त हो। संत पौलुस वहाँ जानते थे, त्रिएक ईश्वर को पहचानते थे और उसी एकमात्र ईश्वर में वे विश्वास करते थे। हम देखते हैं प्रिय चरित्र अध्याय 8 पद संख्या 29 में वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से खोजे का बपतिस्मा होता है। आत्मा ने फिलिप से कहा, आगे बढ़िए और रथ के साथ चलिए, क्योंकि आत्मा अब जिस प्रकार से हमने देखा कि पुराने व्यवस्थान में ईश्वर लोगों से बात करते थे उसी प्रकार से आत्मा भी यहाँ पर फिलिप से कह रहा है, आगे बढ़िए और रथ के साथ चलिए। आत्मा अभी हम सभी से बात करता है, हम सभी को आत्मा से परिपूरित होने की ज़रूरत है। हमें आज येसु का अनुभव करने की ज़रूरत है, आज हमें ईश्वर के प्रेम को अनुभव करने की ज़रूरत है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हमें आज निरंतर उसी प्रकार से प्रार्थना करनी है जिस प्रकार से येसु करते थे और निरंतर हमें पिता की ओर ले जाने के लिए वे हमेशा अग्रसर रहते थे। संत मती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 3 पद संख्या 16 और 17 में, बपतिस्मा के बाद ईसा तुरंत जल से बाहर निकले, उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर की आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रभु येसु का जब बपतिस्मा हुआ तब हम
त्रिएक ईश्वर को देख सकते हैं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम त्रिएक ईश्वर को प्रभु येसु के बपतिस्मा के समय देख सकते हैं। प्रभु येसु यर्दन नदी में बपतिस्मा ले रहे हैं। बपतिस्मा लेने के बाद स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर की आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा। हम पवित्र आत्मा को यहाँ देखते हैं, कपोत के रूप में उतरते हैं और स्वर्ग से जो वाणी सुनाई देती है वह पिता ईश्वर की वाणी है। यहाँ पर पवित्र त्रित्व का मेल हम देखते हैं। यहाँ पर हम पवित्र त्रित्व को देख सकते हैं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, प्रेतों के धर्मसार में भी हम घोषणा करते हैं। हम कहते हैं हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु येसु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम सृष्टिकर्ता ईश्वर में विश्वास करते हैं। मुक्तिदाता येसु मसीह और पावन आत्मा सहायक पर मनन चिंतन करते हुए हम आज पूर्ण विश्वास करते हैं। संत अगस्तीन ने पवित्र त्रित्व के बारे में बहुत कुछ लिखा है। जब वे समुद्र के किनारे पर टहल रहे थे, घूम रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे कि उन्होंने पवित्र त्रित्व के बारे में बहुत कुछ लिखा है, तभी एक छोटा बच्चा उस समुद्र के पास में रेत में एक गड्ढा खोदकर समुद्र का पानी ला लाकर उस गड्ढे में समाहित कर रहा था, उसे भर रहा था। वह करता जा रहा था और संत अगस्तीन उसे बार बार देख रहा था कि यह मूर्खतापूर्ण कार्य क्यों कर रहा है, यह गड्ढा तो कभी नहीं भरेगा। जब संत अगस्तीन उसके पास जाकर कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम जानते हो कि समुद्र का पानी इस गड्ढे में नहीं भर सकते, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो, तब वह बालक कहता है आप भी तो ऐसा ही कर रहे हैं, पवित्र त्रित्व को अपने शब्दों में समाहित करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपको जितना भी समझा दूँ, जितना भी कह दूँ, लेकिन जब तक प्रभु का आत्मा आप पर नहीं उतरेगा हम ईश्वर को नहीं समझ सकते। आज प्रभु येसु, पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा आप सभी के साथ रहें। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, अनुग्रह के साथ प्रभु से प्रार्थना करें और विश्वास करें कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को आज सुने और पवित्र त्रित्व आपके जीवन में हमेशा रहे और हर एक प्रकार से आपकी मदद करते रहे। आइए हम कृपाओं के लिए, आशीषों के लिए प्रार्थना करें और प्रभु के पास जाएं निर्मल हृदय लेकर और इस पवित्र त्रित्व के त्यौहार को अपने घर परिवार में खुशी के साथ मनाएं। आमीन। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम सभी खड़े हो और अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसके आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुंह से बोला है, मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ।
मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों अपने निवेदनों को प्रभु के सामने रखें। प्रिय भाई और बहनों, पवित्र त्रित्व ईश्वर तीन पवित्र जनों पिता पुत्र और पवित्र आत्मा प्रेम के एक समूह के रूप में जीवंत ईश्वर का एक रहस्य है। प्रेम पवित्र त्रित्व के तीन जनों का एक बंधन बल है। अतः हम पवित्र त्रित्व ईश्वर से अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने धर्माध्यक्षों, पुरोहित गणों, धर्म समाजियों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र त्रित्व के प्रेम समूह में सहभागी होकर समस्त विश्व में फैली कलीसिया का शांतिपूर्वक नेतृत्व तथा मार्गदर्शन कर सके। इसके लिए हम त्रिएक ईश्वर से प्रार्थना करें। हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी क्रिस्तीय माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने दायित्वों को निभाते हुए अपने बच्चों की सही देखभाल करें, उन्हें मौलिक शिक्षा दें और उनके कल्याण के लिए उन्हें उपाय सुझाएं। इसके लिए हम त्रिएक ईश्वर से प्रार्थना करें। हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। क्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि उनके बीच प्रेम, एकता तथा शांति स्थापित हो और वे एक दूसरे की सेवा भलाई कर सके और सच्चे आनंद का अनुभव कर सके। इसके लिए हम त्रिएक ईश्वर से प्रार्थना करें। हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे देश व समाज के उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो गरीब तथा बेरोजगारी के कारण तंगहाली में जीवन यापन कर रहे हैं, ताकि केंद्र तथा राज्य सरकार इनके उत्थान तथा कल्याण के लिए उपाय करे। इसके लिए हम त्रिएक ईश्वर से प्रार्थना करें। हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र यूक्रिस्तीय समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र त्रित्व ईश्वर के प्रेम समूह में सहभागी होकर वे उसके सभी सद्गुणों जैसे प्रेम, शांति, धैर्य, ज्ञान, एकता और सहनशीलता को प्राप्त कर सके। इसके लिए हम त्रिएक ईश्वर से प्रार्थना करें। हे त्रिएक ईश्वर हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू अपने एकलौते पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा के साथ एक ही जीवंत ईश्वर हैं। हमें यह कृपा तथा वर दे कि हम तेरे रहस्य के बारे में जान सके और तेरे प्रेम समूह में सहभागी हो सके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की वही सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दाग रस रोटी भर लो, प्रभु सुन लो, स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तुम हो पिता प्रभु
स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे हमारे प्रभु ईश्वर, हम तेरे परम पवित्र नाम की दुहाई देते हैं, हमारी सेवा की यह भेंट पवित्र कर दे और इसके द्वारा हमें अपना अनंत उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तू अपने एकलौते पुत्र और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर और एक प्रभु है। तू व्यक्ति की सृष्टि से नहीं बल्कि तत्व की सृष्टि से त्रिएक है। हम विश्वास करते हैं कि जो महिमा तूने अपने विषय में प्रकट की है वही तेरे पुत्र और पवित्र आत्मा की भी है। इस कारण सत्य और शाश्वत ईश्वर में विश्वास की घोषणा द्वारा व्यक्तियों की पृथकता, तत्व की एकता और प्रताप की समानता में तेरी आराधना होती है। इसीलिए दूत और महादूत, केरूबिम और सेराफिम दिन रात एक स्वर से तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं, जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए।
उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याचकों के साथ विश्व भर में अपनी फैली कलिसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में पर लोग सिधा चुके हैं। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम कुछ क्षण मौन रहें और अपने घर से गुजर गए सभी भाई बहनों माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें और उनकी आत्म शांति के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर, हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेतों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र येशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथों इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम अपनी सारी प्रार्थनाओं को समर्पित करें, सभी भाई और बहनों को समर्पित करें, सभी निवेदनों को प्रभु के सामने रखें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु ये सुने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सही बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारी हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। आप लोग ईश्वर की संतान हैं, इसलिए ईश्वर ने अपने पुत्र का आत्मा आपके हृदयों में भेज दिया है। वह आत्मा जो पुकार कर कहता है, अब्बा हे पिता। हम प्रार्थना करें, हे हमारे प्रभु ईश्वर, हम शाश्वत पवित्र त्रित्व की एकता और अखंडता में दृढ़ विश्वास करते हैं। इस संस्कार के सहभाग द्वारा हम शरीर तथा आत्मा में स्वस्थ रहे, यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। यज्ञ हुआ संपन्न, ईश्वर को धन्यवाद।
सुन लो माँ ये जहाँ आज करते हैं तेरी स्तुति, सुन लो माँ ये जहाँ आज करते हैं तेरी स्तुति, आज करते हैं तेरी स्तुति और गाते हैं तेरी स्तुति, सुन लो माँ ये जहाँ आज करते हैं तेरी स्तुति। Yeah.